एकदम आप कह दीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। कौन है ठेकेदार? कौन है? राज शर्मा। मतलब वो यहाँ इस बीच में जो देख रहा है कि और भी तो हमें ऐसे दिखाओ दिखाओ इनको एकदम आप कह दीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। कौन है ठेकेदार? कौन है? राज शर्मा। मतलब वो यहाँ इस बीच में जो देख रहा है कि और भी तो हमें ऐसे दिखाओ दिखाओ इनको दिखाओ। आपका मैंने देखा था, मुझे न्यूज भेजा था, आपने सही। उसके बावजूद काम चल रहा है, क्यों नहीं रोक रहे? उसमें काम रुपये जहाँ पे गड़बड़ा था, मैं अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। बहुत दिनों से बंद है, अभी अभी बंद होगा ना भैया, मेरे कहने के बावजूद आपका। लापरवाह अधिकारियों पर बरसते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का आपने ये वीडियो देखा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आज के एपिसोड में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे कि कैसे आप 12 फरवरी को जो परिवहन निगम की बसें हैं उनमें फ्री सफर कर सकते हैं, इसके बारे में एपिसोड में आपको जानकारी देंगे। साथ ही जानकारी देंगे कि आखिर क्यों एक सन्यासी ने खुद को गोली मार दी, ये पूरा बताएंगे आज एपिसोड में। इसके साथ ही जानेंगे कि उत्तराखंड में आज दिन भर क्या क्या हुआ। तो चलिए वापस खबर पर आते हैं। खबर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ी हुई। विकास कार्यों में लापरवाही पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मामला ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल पर आधे अधूरे पड़े नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा हुआ है, जो कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल लगा रहे हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों को डांट फटकार लगा रहे। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते। अगली खबर है परिवहन निगम से जुड़ी। हमने शुरू में बताया था कि आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, लेकिन इसका लाभ सभी नहीं ले सकते। इसका लाभ क्या है? दरअसल उत्तराखंड परिवहन निगम ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निगम की ओर से मुफ्त यात्रा का आदेश जारी किया गया है। आयोग द्वारा 12 फरवरी को आयोजित पटवारी लेखपाल की भर्ती के लिए जो पुनः परीक्षा होनी है, उसके अंदर परिवहन में जो बसें हैं उसमें 100% छूट दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बसें जो हैं वो मुफ्त में उसमें सफ़र कर सकते हैं। आदेश के मुताबिक जिसके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूर्व सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर पुनः सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड से उत्तराखंड जाने में यदि अगर उत्तर प्रदेश का कोई भूभाग भी आता है तो वहाँ से भी जो उत्तराखंड की बसें हैं उनमें 100% किराए की छूट दी गई है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी है हल्द्वानी से। हल्द्वानी में इन दिनों जो अवैध अतिक्रमण है उन पर बड़ी कार्रवाई हुई। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोमुआ डोंगा के शिवालिक नगर में छापा मारा। उन्होंने बिना परमिशन से खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवाकर खनन विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारियों को बुलाया और बताया जा रहा है कि जो ये आवास बन रहे हैं इनका नक्शा भी पास नहीं किया गया है। इसके एवज में जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने मौके पर छापे मारकर इनको कड़ी फटकार लगाई। और मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब बेसमेंट जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पर जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पर जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी इसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर और खनन विभाग की टीम भी अभी पहुँच रही है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी अलग अलग जगह हुई और दोनों के एक एक बच्चे भी थे। आत्महत्या की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। महिला कुछ दिन पूर्व ही अपने मायके आई हुई थी, जिसके बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले में जुटी हुई है और जाँच कर रही। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर पहाड़ों से जुड़ी। पहाड़ों को पहाड़ जितने प्यारे होते उससे विकट होती पहाड़ में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी। पहाड़ों में गुलदार की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं टिहरी जिले के प्रताप नगर ब्लॉक के कंडौलिया गांव में रात गुलदार ने एक दिव्यांग युवती पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से युवती गंभीर रूप से घायल हो। आनंद फानंद में युवती के परिजन युवती को CHC चौड़लम गांव ले गए, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।
वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को रात में अकेले घर से बाहर न निकलने की अपील की। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में चकोनी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज पीलाखाल में नशे में धुत प्रधानाचार्य को शिक्षक कर्मचारियों और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करने और हिंसक व्यवहार के चलते डीएम ने निलंबित कर दिया। डीएम मुख्य शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। दूसरी ओर प्रधानाचार्य के नशे में रहने और हिंसक व्यवहार के विरोध में छात्र छात्राओं और शिक्षक कर्मचारी जो विद्यालय के कर्मचारी थे उन्होंने धरना दे दिया। पिछले कई दिनों से प्रधानाचार्य सतीश कुमार शराब पीकर विद्यालय में आ रहे थे, साथ ही जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनके साथ गाली गलौज भी कर रहे थे। स्कूली बच्चों ने प्रधानाचार्य के इस व्यवहार के बारे में अपने परिजनों को भी बताया था, जिसके बाद डीएम ने निलंबन के आदेश दे दिए। अगली खबर है चंपावत से। चंपावत के पाटी थाना क्षेत्र वारसी गांव में एक सन्यासी बाबा द्वारा बाथरूम के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेने की सूचना गांव के प्रधान खेमानंद जोशी द्वारा पाटी थाना क्षेत्र पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पाटी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंचे और बाबा की लाश को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जाँच करी। एसओ गोस्वामी ने बताया कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा में रहने वाले ओसो पंथी बाबा सौरभ तिवारी उर्फ ध्यान योगी ने 315 बोर के तमचे से गुफा के अंदर बने बाथरूम में खुद को गोली मार दी। बाबा ध्यान योगी की जेब से सुसाइड नोट के साथ साथ पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, तमंचे के चैम्बर में कारतूस का खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर लोहाघाट पोस्टमार्टम के लिए भेज। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।